जय भवानी। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। बड़ी खबर के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ एएसओ की विज्ञप्ति के बारे में और एएसओ के कोर्ट केस के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है, किस मुद्दे पर जवाब मांगा, किसको जवाब देना है, इन सब पे पूरी डिटेल में चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर नई विज्ञप्ति चाहते तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सके और आपका बल मजबूत हो सके, यानी कि संख्या बल, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना वक्त को ज़ाया करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। पहले एक खबर देख लेते जो आज के समाचार पत्रों में निकली है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी को लेकर। फिर उसके बाद चर्चा करते इसमें हो सकता है क्या, क्या होगा, क्या करना चाहिए प्रतियोगी छात्रों को, ये भी चर्चा की जाएगी। सहायक सांख्यिकी अफसर भर्ती की रिक्तियों पर जवाब मांगा हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 621 सहायक सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल अफसर भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न जो मेन है, यहाँ पे रिक्त पद रह गए थे जो नियुक्ति की मांग के लिए दाखिल की गई है याचिका। वहीं आगे कहा जा रहा है कि 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दीपक कुमार व 7 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया। याचिका में कहा गया है कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल अफसर के 621 पदों के लिए जारी 2019 के भर्ती विज्ञापन में 346 सीटें सामान्य की थी, 193 ओबीसी की, 60 अनुसूचित जाति व 21 जनजाति के लिए आरक्षित जो थी ये सीटें थीं। इसके लिए अर्हता जो मांगी गई थी वो ओ लेवल मांगी गई थी। अर्हता को लेकर के कहीं प्रश्न नहीं किया गया, अर्हता ओ लेवल मांगी गई थी। और यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2248 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। 36 आरक्षण से पद भरे गए लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण जो है 27 पद जो है वो रिक्त रह गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो 27 पद रिक्त रह गए इसको लेकर के ही कोर्ट में ये मैटर गया। उसके बाद याचिका में इन पदों पर आरक्षित कोटे में नियुक्ति की मांग की गई। तो जो याचिका बनी है उस याचिका में ये प्रश्न शामिल किया गया कि जो 27 पद वैकेंट रह गए हैं उस पे जो है नियुक्ति जो है आरक्षित कोटे से की जाए, ये मांग की गई याचिका में। अब आगे ये कहा जा रहा है कि जब ये मांग की गई तो कोर्ट ने जो है निबंधक अनुपालन को आदेश दिया कि जो ये सचिव मतलब प्रतियां जो हैं ये सचिव इकोनॉमिक स्टेटिक्स डिवीजन स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट निदेशक परिवार कल्याण और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का भी आदेश दिया गया। यानी कि ये प्रतियां जहाँ जहाँ जाएंगी उसका भी जिक्र किया गया है, क्योंकि प्रति कहाँ भेजनी ये आदेशित होता है उसी समय। तो ये जो है निबंधक अनुपालन को आदेश दिया गया कि ये प्रति कहाँ कहाँ भेजनी है। अब आपको बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें किसी प्रकार से जो है कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा गया कि इस प्रक्रिया को जो है जवाब मांगा गया है 3 हफ्ते के अंदर, यानी कि 25 तारीख तक जो है एटलीस्ट जो है जाके कोर्ट में जो है इस जिसको प्रतियाँ मिली सबको जवाब देना है। अब भर्ती प्रक्रिया में लेकर के जो ओ लेवल का है इसको लेकर के जो है कहीं पे कोई रिट पड़ी इसको लेकर के भी जवाब देने के, क्योंकि अदर जो एक डिग्री थी ओ लेवल के अलावा उसको भी जो एक मीटिंग के द्वारा आपको वीडियो में पहले भी बताया गया था कि सरकार सॉरी आयोग के द्वारा जो इन डिग्रियों को मान्य करके जो भर्ती प्रक्रिया में दोबारा डेबी कराई गई थी कुछ लोगों का। अब इसको लेकर के सरकार को आयोग को ये जवाब देना, सरकार इसमें शामिल नहीं, इसमें आयोग और ये 3 डिपार्टमेंट है ये जाके जवाब दे देंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे चलती रहेगी, भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रही है उसी तरह से, क्योंकि इसमें जो है प्रोविजनल्स वाले हैं और कुछ जो फ्रेश वाले हैं उनकी प्रोसेस में है। आयोग की तरफ से नोटिस इसके संदर्भ में भी जारी होने के है और जो प्रोसेस में है उसमें मेडिकल पुलिस को जो वेरिफिकेशन होते हैं ये धीरे धीरे लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को मिल रहे हैं वैसे वैसे लोग अपना कर रहे हैं। बाकी कोर्ट के प्रोसेस में जो है आयोग और इन तीनों लोगों को जवाब देना है कि जो 27 पद जो वैकेंट हैं उस पर आरक्षित लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है कि जो 27 पद आरक्षित कोटे से भरने की मांग की गई है इसी को लेकर के कोर्ट को जवाब देना है आयोग को। तो आयोग इस पर जो है कोर्ट में क्या जवाब देगा इसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए 3 हफ्ते का टाइम मिला आयोग और इसी बीच में आयोग जो है अपना जवाब देगा। जवाब क्या देगा ये भी आपको बता सकते हैं, मगर इस वीडियो में इसलिए इसकी चर्चा नहीं की जाएगी कि जवाब कोर्ट को क्या आयोग दे सकता है या ये विभाग जो क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रतियोगी छात्रों को जो है नाराज़गी होती है, कुछ को खुशी होती है। तो इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, अपडेट देना, न कि किसी पक्ष में खड़े होकर हमको कोई चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो ये चीज़ क्लियर आप अपने माइंड में रख लीजिए कि जो निष्पक्ष तरीके से होगा जिसमें सारे प्रतियोगी होगा वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी।
इस भर्ती से कोई लेना देना मेरा नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी पक्ष को रखने के पहले मुझे हर प्रतियोगी छात्रों का ध्यान देना है। किसी प्रतियोगी छात्र को खुश करना, किसी प्रतियोगी छात्र को तकलीफ देना इस चैनल का कभी ये उद्देश्य ही ना रहा ना रहेगा। जो सही होगा, जिस पक्ष को पहलू सही होगा, वही आपसे कहा जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुना करिए और उन्हीं बिंदुओं को रखा जाएगा जो इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपकी नज़र में वो सच चीज़ें होनी चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उससे आपको रूबरू कराया जा सकता है। बाकी ये कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट को आयोग जवाब देगा, जवाब देने के बाद जो भी होगा वो भी आपको अपडेट के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए किसी भी बिंदु को लेकर के जो है चैनल के माध्यम से सिर्फ एक एम होता है कि जो अपडेट हो ऑथेंटिक वो आप तक डिलीवर की जाए। उसमें क्या हो रहा है, क्या होने को है, कैसे क्या करेंगे कि वो आगे की प्रोसेस हो जाए, इसका जिक्र सिर्फ चैनल पे किया था, जिससे प्रतियोगी छात्रों को हर पहलू को जो है ध्यान में रखा जाता है। उसमें किसी को नज़रअंदाज नहीं किया था, किसी एक पक्ष को बताया जाए, किसी एक पक्ष को नहीं बताया जाए। कल जेई का रिजल्ट है, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र कट ऑफ पूछ रहे थे रिजल्ट आने के पहले, तो उस पर भी आपको बता देंगे कि कट ऑफ भी कभी भी इस चैनल पर नहीं बताई जाती, क्योंकि कट ऑफ भी बताने के संदर्भ में यही होता, पहले कुछ कट ऑफ बताई गई थी, उसके बाद कुछ पक्ष जो उसमें बुरा लगता, किसी पक्ष को अच्छा लगता। तो ये मकसद नहीं है चैनल का कि हमारे लिए सारे प्रतियोगी छात्र एक समान है, सबको अपडेट जो डिलीवर एक ही उद्देश्य के साथ की जाती है कि सबको इससे जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी को धार दे सकें। तो आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें होंगी उसी चीज़ में आपको बताया जाएगा अपडेट में। बाकी की जो प्रोसेस है कोर्ट का, आयोग का, उसमें क्या होता है कैसे होता है वो अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। तो बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से करेंगे, तो अगर उचित लगेगा तो फिर उस पर एक वीडियो के माध्यम से आपसे फिर चर्चा कर ली जाएगी। चैनल पर अगर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।